हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू वीडियो में। और हम लोग देख रहे थे टेंजेंट और नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल का जो इक्वेशन निकालता है उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे एंगल बिटवीन टू कर्व, ठीक है, दो कर्व के बीच में कोण। आज हम लोग जो न्यू टॉपिक लेके आए हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग देखेंगे। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें और क्लास में बने रहे। हम लोग कंटिन्यू चालू करे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्लास को इजी से इजी में पढ़ाएं। और यह चल रहा है आपका बीएससी, ये जो है पार्ट वन है, ठीक है। नर्स पेपर होगा और जनरल पेपर के लिए भी है, जो बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस चालू हुआ है। और डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक लिया गया है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये तो लॉन्ग, देखिए जो बीएससी में होता है वो तो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग टाइप से सॉल्व करते हैं। जो भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं थोड़ा लॉन्ग टाइप से सॉल्व करते हैं। लेकिन ये काम आपका झारखंड का जो पीजीटी होता है, तो झारखंड का इसमें टीजीटी में सिलेबस दिया है। पीजीटी में तो टेंजेंट नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे टीजीटी के लिए भी है, झारखंड के टीजीटी हो गया, ईपी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछते हैं हमेशा। तो थोड़ा लेंदी लॉन्ग टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका ट्रिक से भी सॉल्व करता है, जब हम लोग एबीसीडी जैसे ऑप्शन देता है उसके लिए पढ़ेंगे तो थोड़ा ट्रिक टाइप से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट वन, और इस जो भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे वो लॉन्ग टाइप से सॉल्व करेंगे। लेकिन जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा तो ये सब टीजीटी पीजीटी जितने भी तैयारी होता है मैथ्स से वो थोड़ा बन नहीं पाएगा जल्दी। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें और हम लोग चालू करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। उसके बाद है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद है सब नॉर्मल। क्या हम लोग बोलेंगे, सब नॉर्मल, और एक है सब टेंजेंट। इस टॉपिक से एक में एक प्रश्न पूछता है और ये चार है, चारों का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, सब नॉर्मल हो गया और सब टेंजेंट हो गया, चार कंडीशन है। देखिए सब टेंजेंट, देखिए टेंजेंट और नॉर्मल का हम लोग डिफिनेशन देखे थे, अब हम लोग देखेंगे सब नॉर्मल और सब टेंजेंट का डिफिनेशन। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक कर्व है, ठीक है, मान लेते हैं कि लेट वाई बराबर एफ एक्स एक का है कर्व है, और इसका जो फंक्शन है आपका x का है ना, बी द कर्व। तो पहले हम थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे, इस वाले को x बोलेंगे, इसको x डैश और ये y डैश, और ये क्या होगा y ना। पहले चारों का फॉर्मूला निकालते हैं और उसके बाद फाइनल नोट लिखवाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा इसको क्या करना, मतलब a मान लीजिए कि एक कर्व है, इसका नाम है y बराबर fx, y बराबर fx है। अब इस वाले पॉइंट से एक हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट को लेंगे और जिसका नाम हम लोग देखेंगे t देखेंगे, और इस पॉइंट पर पॉइंट होगा x कमा y होगा, ठीक है, जहां पे स्पर्श करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x कमा y। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ये जो चीजें हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, और इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ध्यान से, इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट और इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ नॉर्मल बोला जाता है। ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है, फाई बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, साई लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, फाई लिखेंगे, है ना। अब आगे देखो, ये परपेंडिकुलर सीधा डालेंगे और इसको हम लोग नाम क्या देंगे, एम, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एम। बात समझ में आ रहा है, ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग भी क्या मानेंगे, इस एंगल को मान लेते हैं कि क्या है, साई। ये जो है यहां से ए लेंथ होता है, इसको बोला जाता है सब नॉर्मल। क्या बोलेंगे हम लोग, सब नॉर्मल। तो ए लिखा जाता है सब नॉर्मल, द प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल
नॉर्मल कहने के मतलब क्या होगा, पीएन। नॉर्मल कहने के मतलब क्या होगा, पीएन। तो द प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल मतलब पीएन ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट किसको बोलेंगे, ये टीएम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को बोला जाता है सब टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। टीएम को क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट। द प्रोजेक्शन ऑफ क्या करेंगे, टेंजेंट मतलब पीटी ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट। तो डिफिनेशन दोनों का हम लोग लिख देंगे, तो आप यहां से डिफिनेशन लिखिएगा, बाद में डिफिनेशन हम लोग इसको करवा देते हैं कि क्या होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y बराबर b लिख कर, एक क्या है कर्व है जो कि y के रूप में y इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एंड एक पॉइंट है p x कमा y बी द एनी पॉइंट ऑन द ऑन दी कर्व। ये जो पॉइंट है किस पर है, कर्व पे है। अब आगे बढ़ेंगे, लेट दी टेंजेंट मैक्स एंगल, एक एंगल बनाया है और उस एंगल के हम लोग नाम क्या देखेंगे, क्या नाम है उस एंगल की, क्या है फाई। अब देखना है कि किस डायरेक्शन में है, बताइए, सॉरी साइड या विद एक्स एक्सिस, क्या होगा एक्स एक्सिस, इस पर चलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस। अब उसके बाद हम लोग एन किस में चलेंगे, फिगर, ध्यान से देखेंगे, फिगर से चलेंगे। पीटी को क्या बोलेंगे हम लोग, पीटी को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, समझ में आ रही है बात। उसके बाद हम लोग टीएम को क्या बोलेंगे, टीएम डेट इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, सब टेंजेंट बोला जाएगा, क्या बोलेंगे सब टेंजेंट। पीएन, ठीक है, पीएन, और पीएन के हम लोग क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल, क्या बोलेंगे सब नॉर्मल। एक लास्ट में हम लोग पीए क्या होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, बात समझ में आ रहा है। अभी लंब की लंबाई है, ठीक है, और ये जो है स्पर्श रेखा की लंबाई है। ये बताइए आप, यदि इस तरह से ग्राफ होता है कि x की डायरेक्शन में ये जो लेंथ मान लेते हैं x, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे तो ये y हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा y की डायरेक्शन में जो लेंथ होगा ये y होगा और इसमें चलेंगे तो x। ये जो है लाइन अब तक क्या है कि y के ऊपर जा रहा है, इसको हम क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। इस तरह समझ में आ रहा है ना, आपको हम पढ़ा दिए हैं कि जो dy by dx होता है, देखिएगा dy by dx को हम इसको भी बोल सकते हैं कि tan, और ये क्या होते हैं sin, ठीक है, ये हम पढ़ा दिए हैं। अच्छा, dy by dx के नोटेशन हम लोग क्या बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं y1, या तो y dash भी बोल देंगे, और tan आप ये समझ लीजिएगा कि ये हम यूज करने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिएगा, अब दो यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, पहले हम लोग क्या चलेंगे, पी टी एम के बात करते हैं, किसका बात करते हैं, पी टी एम, इसके बाद यहां से लिखना है, ठीक है, एम, चलिए एम पी टी एम, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, पीटीएम, बात समझ में आ रहा है, पेटीएम नहीं पीटीएम ना। आप ए बताइए, इसमें हम लोग देखेंगे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो ए आपका लंब हो जाएगा और ये क्या होगा, आधार हो जाएंगे, और ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा,
ये बताइए यहाँ से हम लिखेंगे tan phi इक्वल टू पी वाई क्या होता है, बी होता है, और tan phi इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं इसको dy by dx बोल सकते हैं। देखिए सामने dy by dx इक्वल टू p का वैल्यू क्या है, देखिए p का वैल्यू क्या है pm, क्या बोलेंगे pm। b का वैल्यू क्या है इसको हम लोग बोलेंगे tm, क्या बोलेंगे tm। अब आगे ये देखिए इस वाले को y1 लिखेंगे, pm pm का वैल्यू क्या दिख रहा है y बटा tm, tm कहने के मतलब क्या हो जाएगा उस सब टेंजेंट मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो क्या मिलेगा tm यहां से y1, y1 को भेज देते हैं ठीक है, और इस वाले को लिख सकते हैं y बटा dy by dx, समझ में आया। tm को क्या बोल सकते हैं जी सब टेंजेंट, क्या बोलेंगे सब टेंजेंट, यानी कि y बटा y1 दैट इज इक्वल टू y dy by dx, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, कोई परेशानी। तो जब भी अगर कोई एक कर्व दिया है बोलेगा कि सब टेंजेंट निकालिए y मतलब यहां से रखेंगे और dy by dx निकाल कर फिर रख देंगे, फाइनल आपका डिसीजन आ जाएगा। फिर से हम लोग देखेंगे एक चीज और है, आप पढ़े होंगे कि h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होता है। यहां देखिए pm मतलब हो जाएगा pt का स्क्वायर इक्वल टू tm का स्क्वायर प्लस pm का स्क्वायर, pt का स्क्वायर इक्वल टू देखिए यहां से क्या है tm का स्क्वायर। अब tm इक्वल टू क्या निकले y बटा y1 निकाले, आप यहां पे रखिएगा y बटा y1 का होल स्क्वायर प्लस pm, pm का वैल्यू क्या है y है, चलिए pt का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर बटा y1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा ये बताइए pt का स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन कर दें तो 1 बटा क्या मिलेगा y1 का स्क्वायर प्लस 1, आप इसको LCM लेकर के बताइए LCM क्या होने वाला है, तो pt का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y का स्क्वायर यहां से लिखेंगे तो 1 प्लस y1 स्क्वायर बटा y1 स्क्वायर, समझ गए। जैसे pt अगर निकालेंगे तो इस पर चलेगा रूट तो y बटा क्या होगा y1 और अंडर रूट 1 प्लस y1 के स्क्वायर। pt को हम लोग क्या बोलते हैं, pt क्या है देखिए pt, pt मतलब क्या है टेंजेंट है, pt मतलब क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, हम इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y और y1 कहने का मतलब क्या है dy by dx अंडर रूट 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, ये निकल गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ रहा है ना, आराम से देखेंगे और क्लास को तो बहुत अच्छे तरह से देखिए, ए टू जेड समझ में आना चाहिए, कोशिश तो हो रहा है यही। अगले बार में हम लोग अब चलेंगे फिर से एक त्रिभुज इसमें बन रहा है, अब बताइए कि किस वाला में चलेंगे बच्चे पी एम एन, पी त्रिभुज पी एम एन यहां भी एंगल बन रहा है तो टैन ये क्या होता है पी बाई बी होता है फॉर्मूला, हम लिखेंगे टैन, टैन को क्या बोल सकते हैं चलिए टैन ठीक है साइन पी, यहां देखिए एंगल बन रहा है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होते हैं याद है ना, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर मतलब क्या है इसको बोलेंगे एम एन बटा ये क्या हो जाएगा अब आधार हो जाएगा जिसको आप लिखेंगे पी एम, क्या लिखेंगे पी एम। इस वाले को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एम एन, एम एन का वैल्यू नहीं है और पी एम का वैल्यू वाई है, यदि हम एम एन पी एन ठीक है पी एन इक्वल टू क्या लिखेंगे वाई डी वाई बाय डी एक्स ना। अब बताइए पी एन को हम क्या बोल सकते हैं, इसके बाद यहां से लिखेंगे ना पी एन, पी एन क्या है जी देखिए एम एन, एम एन है ना, एम एन इक्वल टू क्या है सब नॉर्मल, हम इसको क्या बोलेंगे तो सब नॉर्मल इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स,
ये सब आपको याद रखना है। फिर से देखेंगे इसी तरह से, देखिए सेम टू सेम लिख रहे हैं भाषा। फिर देखेंगे अब ए वाला होगा तो पीएन का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पीएम का स्क्वायर प्लस एमएन का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बताइए, पीएन का स्क्वायर इक्वल टू पीएम का स्क्वायर प्लस एमएन का स्क्वायर। पीएन का स्क्वायर पीएम, पीएम कितना है वाई का स्क्वायर, एमएन, एमएन अभी जस्ट निकाले हैं और इसको हम बोल सकते हैं वाई वाई वन भी बोल सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, तो वाई y1 का होल स्क्वायर। चलिए pn का स्क्वायर, ये यहां से y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर, और pn इक्वल टू लिखेंगे y अंडर रूट 1 प्लस, समझ में आ रहा है ना जी, इस पर रूट चलेगा तो y आ जाएगा क्योंकि रूट से बाहर आएंगे और बाकी ये रूट होगा। इसको और हम बोल सकते हैं pn इक्वल टू y, ये हो जाएगा 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। देयरफॉर अब pn क्या है, pn क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो हम यहां से लिखेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल ना बराबर y रूट 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। तो ये आपका चार फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट करके रखिए। चार टोटल चीजें, पहला फॉर्मूला यहाँ निकाल दिए हैं, दूसरा यहाँ पे निकला है, तीसरा यहाँ निकला है और चौथा यहाँ पे निकला है। ठीक है, फिर से समझ लेंगे, ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। एक कर्व दिया है, उस कर्व मान लेते कि y बराबर fx है, इसी कर्व पर एक पॉइंट P है और उस पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट, उसी से एक हम लोग क्या लेंगे नॉर्मल, और इसको हम लोग y बोलेंगे कि y की डायरेक्शन लेंथ y है। यह एंगल कुछ बनाएगा इसलिए हम इसको क्या लिए साई लिए, इसको भी एंगल लिए, क्या हम मान लेते हैं कि साई ले लेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे तो एक एक त्रिभुज बन रहा था, दो दो त्रिभुज बन रहा था दोनों में। चलिए ये हमने देखा है कि tan थीटा इक्वल टू p बाई क्या होता है b होता है, थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे साई लिखेंगे और इसको dy बाई dx बोलते हैं। क्या बोलते हैं dy बाई dx। आप यदि क्लास पीछे नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लास को देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि dy बाई dx को tan phi लिखा जाता है और p p का मतलब क्या हो जाएगा pm हो जाएगा और इसको dm लिख देंगे, और dy by dx को y1 भी लिखा जाता है, नोटेशन पढ़ाए थे, और pm का वैल्यू y है बता tm लिख देंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करके इतना लिख लेंगे। इसी को देखो tm, tm कहने का मतलब सब टेंजेंट निकल गया। फिर क्या करेंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू प्लस इतना कर लिए, बाकी सभी का वैल्यू हम लोग पुट किए सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 बटा इतना मिलेगा और इसको एलसीएम ले लिए, जैसे ये रूट चगाएंगे तो रूट से बाहर आएगा, y का स्क्वायर है तो यहाँ मतलब y1 का स्क्वायर है तो y1 आएगा, बाकी चीजें हो गया। तो पीटी, पीटी कहने का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। उसी प्रकार अब इससे चले सामने वाले एंगल के सामने पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो चार फॉर्मूला, और चार फॉर्मूला में आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे अब एक्सरसाइज जो 5C है ना, एक्सरसाइज क्या है 5C, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ये आपका जो एक्सरसाइज 5C है, ये लालजी प्रसाद का जो न्यू बुक है, लालजी प्रसाद का जो न्यू बुक है उसमें 5C लिखता है, और जो रेड कलर के पुराने बुक है उसमें एग्जाम्पल लिखता है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर जो हो रहा है 15 हो रहा है, और इसके लिए एक्सरसाइज क्या 5C हो गया है। पहले 5A और 5B कंप्लीट हो गया है, तो 5A और 5B नहीं देखे हैं तो आप क्लास को देखें। ये प्रश्न लिया गया है आपका सीधा एक्सरसाइज 5C से, जो कि एक्सरसाइज क्या है 5C है। बोलता है कि सो दैट एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस वाले को गिव एंड दैट लिखेंगे, क्या छोटे लाल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और इस नंबर को हम क्या बोलेंगे 1। द सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, जो सब नॉर्मल आना चाहिए उसको क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब बताइए सब नॉर्मल का जो सब नॉर्मल का आपका जो फॉर्मूला है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, y इंटू क्या है dy बाई डी एक्स है ना। तो ये बताइए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x होगा, इस वाले को हम लिखेंगे 2y dy by dx equal to 4a होगा, x का 1 होगा। यदि dy by dx लिखते हैं तो इस वाले को लिखेंगे 4a बटा 2y, इसको हम कट कर सकते हैं, ये क्या मिला dy by dx equal to 2a बटा y लिखेंगे, क्या लिखेंगे y dy by dx निकल गया। हमसे पूछा क्या है कि जो सब नॉर्मल है, देखिएगा सब नॉर्मल कहने का मतलब क्या होता है फॉर्मूला y dy by dx, चलिए भाई y into dy by dx का वैल्यू क्या निकाले हैं 2a बटा y, ये कट गया। चलिए चंदन ये बताइए 2a, 2a क्या है कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल x y नहीं आया है, इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। पहला तो प्रूफ हो गया, दिस इज वन पार्ट इज प्रूफ, पहला हो गया। एंड बोला है द सब टेंजेंट, क्या बोला है सब टेंजेंट हेयर इज एट द अब्सेसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है ना उसको काम करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में काम करना पड़ेगा। तो ये अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं। अब बताइए सब टेंजेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है सब टेंजेंट। चलिए बच्चे बताइए सेकेंड पार्ट हम लोग बताते हैं, ये जो पहला था ये है फर्स्ट पार्ट में, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा तो समझ में अच्छे तरह से आएगा कि प्रथम को लिखा दिए, सेकेंड पार्ट में क्या है कि सब टेंजेंट है, क्या है सब टेंजेंट, ये होता है dy by dx, अब बटा क्या होगा y बटा क्या होता है dy by dx, चलिए y हो गया, dy by dx का वैल्यू कितना निकाले हैं ये 2a by y, ये y कहां चला जाएगा ऊपर में, क्या छुपेगा ये बन जाएगा 2a, बनेगा या नहीं बनेगा बन जाएगा। अब आगे देखिएगा क्या होगा, y का स्क्वायर इक्वल टू कुछ है बताइए, अरे भाई y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax बटा 2a, और ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा 2x आ जाएगा, क्या मिलेगा 2x आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो दैट इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे सब टेंजेंट, क्या लिखेंगे सब टेंजेंट, उसके बाद यहां से क्या करेंगे इस वाले के हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे जो कि डेरिवेटिव करता है, किसके काम करना है देखिएगा अब सेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है टोटल ही लिखे हैं कांटेक्ट आप शॉर्ट में लिखे, चलिए टोटल ही देते हैं यही लिखना, कोई दिक्कत है। ये कैसे हम जान गए कि ये वेरिएज कर रहा है, क्योंकि वेरिएबल क्या आ रहा है x, और वेरिएबल ही क्या पूछा हुआ था x पे, 2 तो कोई एक नंबर है तो सब टेंजेंट वेरिएज कर रहा है किस पर, चलिए देखिए अब से सब द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो ये था 5.1 का, और इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 लिया गया है सो दैट इन द कर्व ना, सो दैट इन द कर्व y बराबर b e के पावर x by a द सब टेंजेंट इज क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए एंड सब नॉर्मल इज y स्क्वायर by a आना चाहिए। तो आप पहले क्या कीजिएगा, दो फार्मूला ही तो जानते हैं ना, चार फार्मूला में से दो पूछा हुआ है, सब टेंजेंट b y बटा dy by dx और सब नॉर्मल y into y1 y into dy by dx बोलेंगे। तो पहले जो एक कर्व दिया है y बराबर b e के पावर x by a, इसके dy by dx हो जाएंगे तो b बाहर d e के पावर x by a बटा नीचे कौन सा आएगा x by a, और यही चले जाएंगे ऊपर x by a, बात समझ में आ रहा है ना।
चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन कंप्लीट रखिए जैसे के तैसे, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है x का 1, तो 1 बटा क्या होगा a, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएंगे ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू b बटा a e के पावर x बाई a होगा। कोई परेशानी या कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़े बढ़िया है आगे, चलिए ठीक है। अब पहला जो प्रश्न दिया है कि सब नो देखिए सब टेंजेंट, आप फॉर्मूला जानते हैं सब टेंजेंट का, क्या होता है बच्चे सब टेंजेंट का होता है y बटा डी वाई बाई डी एक्स, हो गया y तो नहीं है, चलिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं, b क्या निकाले b e के पावर x बटा a, ये कहां चला जाएगा ऊपर, अब बटा क्या होगा b e के पावर x बाई a, ये बताइए a नंबर समीकरण 1 में लिख सकते हैं, तो y बराबर क्या दिख रहा है b e के पावर x बाई a, देखो b e के पावर x बाई a या तो y की जगह पर हम रखेंगे तो कट जाएगा, ये बताइए a और b e के पावर x बाई a बटा b e के पावर x बाई a, नहीं समझ में आ रहा है तो y मान लीजिए a कटेगा तो क्या मिलेगा a, और a क्या होता है कांस्टेंट होता है, पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा बोला कि सब नॉर्मल एज वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, चलिए भैया जी बोलिए आप कि सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने जाना है कि वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, ये हो जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बता दीजिए आप, है ना डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे b e के पावर x बाई a बटा a y b, देखिए उसमें हमें y स्क्वायर लाना है, तो b e के पावर x बाई a b e के पावर x बाई a इक्वल टू क्या रखेंगे y, तो रख सकते हैं ना, तो बताइए डेट इज इक्वल टू y स्क्वायर बटा क्या होगा a, समझ में आ रहा है, और इसको हम बड़ा का आसान लिख देंगे, बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि चार ही फॉर्मूला है, जिस तरह से एंगल आपको बताया गया था उसी टाइप का फॉर्मूला, इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि सब नॉर्मल और सब टेंजेंट वगैरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ाती है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का बहुत अच्छे तरह से ड्राइव उसको किया, आप उसको कंटिन्यू देखें और क्लास बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा, और क्लास समझ में आया तो क्लास को अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर सब्सक्राइब लाइक करें, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए छोटे 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 लाल दो प्रश्न दिया है, 3 का 1 हमने लिया, बहुत आसान है, बोलता है कि सो डेट एनी पॉइंट मतलब या तो x में या तो y में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे वेरीज करता है, एनी पॉइंट कहने का मतलब या तो x या तो y का वेरीज करना चाहिए, x भी आ सकता है और y भी आ सकता है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, सो डेट एनी पॉइंट, तो पॉइंट यानी कि x में या तो y में, ऑफ द कर्व क्या दिया है x के पावर m y के पावर n इक्वल टू a m प्लस n है, दिस ऑफ टेंजेंट वेरीज करना चाहिए एट द अब्सिस ऑफ द पॉइंट का, तो सब टेंजेंट निकालेंगे और वेरीज क्या करना चाहिए एनी पॉइंट का, या तो x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए सब टेंजेंट, या तो y का होना चाहिए, अब बात समझ में आया कि सर मतलब पिछले वाले जो प्रश्न था आया था 2x, आप उसको x का वेरीज कर दिए थे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, अगर y आता तो y भी होगा, क्योंकि यहां पे खुद बोला है पॉइंट का, या तो x में या तो y में, चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, दो फंक्शन है, अगर हम m का x के पावर m का डिफरेंशिएशन करते हैं तो m आगे तो m कम होगा कि नहीं होगा, बीच में प्लस, अब y x के पावर ये देखिए n y n माइनस 1 और y के साथ में डिफरेंशिएशन dy बाय dx, इसके साथ ना तो x है ना तो y है, इस बीच का जीरो हो जाएगा, अब ये बताइए इसको खाकर तो उधर ले चलेंगे तो क्या होगा जी, dy by dx equal to minus a x power m minus 1 y की power है, कोई दिक्कत है
डीवाई बाई एक्स निकाल देते हैं, डीवाई बाई एक्स इक्वल टू एम एक्स के पावर एम माइनस वन बटा ए एक्स एम वाई एम माइनस वन। ऐसे हम टेंजेंट में भी बनाए हैं, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल जब सोल्व कर रहे थे तो ये पांचवा प्रश्न दिया हुआ था। इसको दो भागों में तोड़ेंगे कि a के पावर m प्लस n इक्वल टू हम लिखेंगे a के पावर m इनटू n, तो दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस m मिलेगा x x के पावर m x के और y के पावर n बटा, यहाँ पे देखिए तोड़िए इसको, n रहेगा x के पावर m, यहाँ से तोड़ेंगे y m, चलिए क्या इसको फिलहाल एक कट जाएगा, कटेगा, चलिए तो माइनस एम एक्स के पावर माइनस क्या हो जाएगा वन, ये क्या है ए। आप एक देखे होंगे कि जब भी पावर ऐसे लिखा जाता है तो वन बटा ए लिखते हैं, और अगर वन बटा ए की पावर है माइनस में इसको हम क्या लिखेंगे, कर्णी घात हो इसको बोला जाता है ना। चलिए आगे देखें, ये माइनस क्या है, पावर में वन है, ऊपर गया प्लस लेकर के गया और नीचे आया प्लस, और ये भैया dy by dx हो जाएगा। कोई परेशानी या कोई दिक्कत है? पहला जो प्रश्न पूछा है देखिए कि सब टेंजेंट मेरिज करना चाहिए, तो सब टेंजेंट का जल्दी से फॉर्मूला बताएंगे, y बटा y1, y बटा y1। कोई परेशानी या ये क्या है, माइन y तो रहेगा बटा माइनस m y बटा nx, यानी कि लिखेंगे इसको हम nx into y बटा एम वाई, वाई से वाई कटेगा तो क्या मिल गया यहाँ से, माइनस एन एक्स बटा एन। एन और एम जो है एक नंबर मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, तो बच क्या गया एक्स, बच क्या गया एक्स, इसको हम लेयर को क्या लिखेंगे, जो सब टेंजेंट है भेरीज करेगा किस पर कर रहे हैं बताइए, द ऑफ द पॉइंट ऑफ पॉइंट, बस बच जा रहा है ना। अब कोई भी पॉइंट, पॉइंट कहने का मतलब एक्स आएगा या तो वाई आएगा, ये देखिए कांस्टेंट होता है कि डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन लेंगे, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे जब भी ये दे रहता है तो उसको कांस्टेंट माना जाता है, तो इस वाला एम और ए माइनस को कॉन्स्टेंट मानेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देंगे और एक्स एक्स कहने का मतलब पॉइंट में शामिल हो जाएगा। बात समझ गया या? हमें क्या देखना है, यहाँ पे कोई भी नंबर आए ए बी सी डी आए या नंबर आए उससे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स या तो वाई आना चाहिए, दोनों नहीं आएगा क्यों, यहाँ पे ए ही बोला है, ए ही मतलब एक, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। बात को समझ गए, आप इसको नोट कीजिए, उसके प्रश्न संख्या थ्री का टू चलेंगे क्योंकि दो दिया हुआ है। देखिए यह नंबर थ्री है, बोलता है कि सो डेट एनी पॉइंट, पॉइंट ही क्या आ जाएगा एक्स कमा वाई ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, और द सब टेंजेंट वेरीज एज द एंड सब नॉर्मल क्या होना चाहिए, वेरीज करना चाहिए किसके लिए, ऑफ द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कहने का मतलब x और y ही ना, तो थोड़ा सा हम निकालते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, गिवन x y बराबर क्या होगा c स्क्वायर है, और इसको नंबर हम लोग क्या करेंगे 1, कोई दिक्कत, आप यहां से डिवाइड बाय x निकालिए ना, तो आप डिफरेंशिएशन इसको कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, x का वन होगा y बचेगा, और y का डिफरेंशिएशन dy by dx, दो फंक्शन का मल्टीपल प्रोडक्ट रूल लगाएं और ये जीरो हो जाएगा। अच्छा ये बताइए x dy by dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस y होगा, अब हम dy by dx निकालते हैं क्या होगा, छोटे लाल माइनस y by x, यहां से कोई परेशानियां कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो प्रश्न बोला है कि सब टेंजेंट वेरीज करना चाहिए, चलिए सब टेंजेंट क्या होता है देखते हैं, सब टेंजेंट ये होता है y बटा y1, y1 कहने का मतलब dy by dx, अब बताइए y को रखेंगे, y तो रखेंगे
दिक्कत नहीं है। वाई वन का वैल्यू क्या है देख लीजिए आप, वाई वन का वैल्यू क्या है माइनस वाई बटा एक्स, कोई दिक्कत है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई बटा क्या होगा माइनस वाई आएगा, नहीं आएगा, ये ऊपर में चला जाएगा तो एक्स वाई बटा वाई, यह y से y कटेगा तो माइनस सिक्स आ जाएगा। क्या बोला है सो डेट एनी पॉइंट, पॉइंट कौन सा आया एक पॉइंट एनी मतलब x या तो y, x आ गया माइनस छोड़िए क्योंकि पॉइंट माइनस में भी हो सकता होता है, हाइपर बोला एक्स वाई एक्स स्क्वायर द सब टेंजेंट, सब टेंजेंट वेरीज क्या करता है डेट इज इक्वल टू लिखेंगे सब टेंजेंट वेरीज हो गया। उसके बाद क्या है एज द, अब सही सुना ऑफ दी पॉइंट ऑफ पॉइंट, ठीक है ये पहला हो गया, कोई परेशानी है दूसरी की ओर चलते हैं। क्या बोला है सब नॉर्मल, क्या बोला है सब नॉर्मल, क्या होना चाहिए वेरीज कैसे करना चाहिए क्यू कोऑर्डिनेट मतलब x, या तो x के पावर 3 आएगा या तो y के पावर 3 आएगा। दूसरा काम कर देंगे एंड लिखेंगे, देखिएगा सब नॉर्मल, चलिए चंदन सब नॉर्मल का फॉर्मूला बताएंगे, सब नॉर्मल क्या होगा y by 1 कहने का मतलब y dy by dx, चलिए y dy by dx का वैल्यू देख लीजिए माइनस क्या लिखेंगे माइनस y बटा x माइनस y बटा x, अब भैया y का स्क्वायर बटा x हो जाएगा, y स्क्वायर है लेकिन कहा क्या है एनी पॉइंट, क्या बोला है एनी पॉइंट, बड़ा परेशानी है तो परेशानी कुछ नहीं है एनी पॉइंट एक्स वाई आ रहा है, आप यहां से x का वैल्यू बताइए क्या होगा c स्क्वायर बटा y होगा है, देखिएगा c एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर तो एक्स बराबर सी स्क्वायर बटा वाई, चलिए माइनस वाई बटा एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर बाई वाई, ये पहले बताइए ये वाई पर चले जाएगा तो माइनस वाई की बटा सी स्क्वायर, सी तो कॉन्स्टेंट है ना उससे क्या दिक्कत है और बाई सी, तो इसको हम लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू बताइए सब या तो सब नहीं सब नॉर्मल है सब नॉर्मल, चलिए वेरीज क्या किया अब ऑफ द पॉइंट का ना, ऐसे नहीं लिखना है यहां देखिए क्या लिखना है वेरीज क्यूब लिखना है, क्या लिखेंगे क्यूब ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बात को समझ गए कोई भी परेशानी है नहीं ना, आप यहां से डाल लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं अब सही सब ऑफ पी ना, ये आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया क्योंकि अब बनाने में आप सीख गए हैं क्योंकि जिसका थ्योरी कंप्लीट है तो ये सब बन जाएगा। नंबर क्या है 4 है, बोलता है कि सो डेट इन एनी कर्व द रेक्टेंगल कंटेंट बाय दी सब टेंजेंट इन द सब नॉर्मल, ये देखो ये जो आयत है अब आयत के जो साइड है एक का सब टेंजेंट दिया है और दूसरा साइड क्या दिया है सब नॉर्मल, साइड नहीं बोला है फिर भी कंटेंट लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि सब टेंजेंट और सब नॉर्मल दिया है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कोरेस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब या तो एक्स का स्क्वायर होना चाहिए या तो वाई का स्क्वायर होना चाहिए। चलिए आप ये बताइए वी नो सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब टेंजेंट इसको बोलेंगे y बटा y1, कोई दिक्कत है सब नॉर्मल के क्या होता है सब
नॉर्मल वाई 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 वन। अब बताइए एरिया ऑफ नाउ, अब हमें सॉल्व करके इसका जो एरिया आना चाहिए स्क्वायर ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट आना चाहिए। तो बताइए एरिया ऑफ इसका लिखेंगे हम बराबर, यहां से लिखेंगे सब टेंजेंट इनटू सब नॉर्मल y बटा y1 इनटू y y1, ये कट जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, आया y स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर ऑफ दी एरिया, इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ दी ना समझ में आ गया स्क्वायर हो गया ऑर्डिनेट कहने का मतलब वाई हो गया। ये तो पूछा है कि ये जो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल इसका लेंथ मान लीजिएगा और ये खुद बोला है कि इसका एरिया क्या होना चाहिए। तो एरिया की यदि हम बात करते हैं ठीक है, तो एरिया क्या होता है ए इंटू बी होता है, तो ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कट गया वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर आ गया प्रूफ हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको नोट कीजिए